देखते रहे संसार की हालत क्या हो गई, भगवान कितना बदल गया इंसान। सारे दर्शकों ने देसी पत्रकार कर्मों की राम राम। कैथल का गुर्जर चौक तक मैं लाइव हूँ। फिलहाल ये चौक विवादित चौक हो रहा था और इस पे राम राम भाई, राम राम। देख नीचे पकड़ रहा है ना भाई, हाल लग रही हाल नू रखने। चलो विवादित चौक नहीं हो रहा था, पुलिस छावनी में ही हो रही है, तब्दील हो रहा है। रात ने भी मतलब रात का पुलिस का पैरा में यह प्रतिमा थी, पुलिस का पैरा में प्रतिमा थी और दो पक्ष दो जाति विशेष के जो लोग हैं वो आमने सामने थे, राजपूत समाज और गुर्जर समाज। तो कल टेक्निकल बात भी हुई थी, उस सुबह का अंधेरा में विवादित प्रतिमा का अनावरण कर दिया गया है और फिलहाल जो गुर्जर समाज के जो लोग हैं वे बार बार रुक रुक कर नारेबाजी कर रहे हैं, नारेबाजी भी हो रही है। कौन सी नारेबाजी हो रही है बताइए एक बार। बाबा सम्राट मीर भोज अमर रहे, बाबा सम्राट मीर भोज अमर रहे, गुर्जर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, गुर्जर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, आवाज दो हमें एक है। चलो दो चलो चलो यह बात चल रही थी। गुर्जर सम्राट दादा मीर भोज अमर रहे, चक्रवर्ती दादा गुर्जर सम्राट दादा मीर भोज अमर रहे। चलो राजा मीर भोज से चक्रवर्ती सम्राट दादा चक्रवर्ती मिहिर बोध सम्राट और बाबा चक्रवर्ती मिहिर बोध सम्राट, ये उद्घोष गुर्जर समाज के लोगों द्वारा लगाया जा रहा है। प्रतिमा का अनावरण हो लिया, सुबह 7 बजे हुआ शायद, सुबह 7 बजे हाँ जी 9 बजे के आसपास, चलो सुबह 9 बजे यानी कि लोहे पैठते उद्घाटन हो लिया। और यह जो प्रतिमा का अनावरण हुआ, पुलिस का पैरा हुआ, पुलिस दिखाते शुक्र दे, पुलिस का पैरा अनावरण हुआ है और फिलहाल राजपूत समाज का दावा कराया गया था भैया जो राजा मिहिर बोझ है इस पर कॉपीराइट मारा है, लेकिन गुर्जर समाज ने कुछ टेक्निकल बातें रखी थी। 800 के बीच का जो काल बताया जा रहा है राजा मिहिर बोझ का, तो गुर्जर समाज ने कहा ये हमारे दादा थे, पूर्वज थे, बाबा थे, चक्रवर्ती राजा थे, चक्रवर्ती सम्राट थे। तो उस बीच में हालांकि कई साल थे जो यू कैथल का चौक है विवाद में रहा, कई बार इसमें उद्घाटन करने की कोशिश करी गई लेकिन उखाड़ दिया जाता रहा बीच बीच में। आज बहुत बड़ा हुजूम गुर्जर समाज का है। फिलहाल सामने करिए मोहित, प्रतिमा आप देख रहे हो चक्रवर्ती सम्राट राजा मिहिर भोज की प्रतिमा और साथ में प्रयोग कराया जा रहा है गुर्जर सम्राट। देखो जी जी दिखाओ। हाँ बताओ भाई कहाँ तो उधर रही है प्रयोग नहीं कराया जा रहा है गुर्जर है। चलो इस टाइम देसी पत्रकार कर्मों के गलत हम लाइव जुड़ रहे हो कैथल से, ये आप देखो गुर्जर प्रतिहार भाई थोड़ा दियो साइड ये देखो आप एक हाथ में ये जो प्रतिमा है पुलिस का पैरा में प्रतिमा का अनावरण हुआ है। और कल जब मैं लाइव कर रहा था रात में जब लाइव कर रहा था तो मेरे पास राजपूत समाज के लोगों का फोन आया, वो बोले जी हम बैठे हैं आडान मान वाटिका में। तो मैंने कुछ बातें करी थी, मैंने जो बात रखी है गुर्जर समाज ने उन बातों का जवाब दे आप देना चाहो तो कैमरा पर एस को बता इसको, क्योंकि हमने कहा था ना पक्ष ना विपक्ष निष्पक्ष, लेकिन एक चीज पे एक हालात पे एक विडंबना पे जरूर मन दुखी हुआ है भाई, माहौल कैसा होगा भाई, क्या हम अपने महापुरुषों पे कॉपीराइट के दावे ठोकवाएंगे जो तो टेम है। हालांकि देखो अपने अपने पूर्वजों की पक्षधारी सब करें तो कुछ बातें हम गुर्जर समाज के लोगों से पूछेंगे। हाँ जी क्या नाम आपका। एक मिनट हाँ जी मैं आपको ये बता देना चाह रहा हूँ गुर्जर सम्राट जो मीर भोज वाला प्रकरण चल रहा है पिछले 2 या 2.5 साल से चल रहा है, इससे पहले कभी किसी को परेशानी नहीं हुई। मैं आपको अवगत करा दूं कर्मू भाई आप बहुत जिम्मेदार पत्रकार हैं यहाँ के, आपका हाँ कर्मू भाई बहुत बहुत आपको बधाई शुभकामनाएं। मैं बता दूं कि 90 के दशक में अक्षरधाम मंदिर है आपका नोएडा के अंदर, दिल्ली नोएडा के बीच पड़ता है, वहाँ पर अटल बिहारी वाजपेयी जी द्वारा जब वो प्रधानमंत्री थे गुर्जर सम्राट मीर भोज जी की मूर्ति का वहाँ पर अनावरण किया गया। उसके पहले दिल्ली के अंदर साहब सिंह वर्मा जी ने एक रोड का नाम रखा सम्राट मीर भोज गुर्जर के नाम से रखा गया। 2014 में जब प्रधानमंत्री हमारे देश के थे नरेंद्र भाई मोदी जी, ग्रेटर नोएडा में परी चौक जहाँ गुर्जर संस्थान पड़ता है वहाँ संस्कृति संस्कारालय वहाँ पर बनाया गया संग्रहालय, वहाँ पर भी उनके द्वारा गुर्जर सम्राट मीर भोज जी का मूर्ति का अनावरण हुआ। ये पिछले 2 सालों से विवाद ज्यादा चल रहा है और हम ये बात बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहते हैं कि महापुरुष सभी समाज के होते हैं, लेकिन हमें गर्व ये होता है
हमें गर्व इस बात का है कि हम जो है जिस समाज में पैदा हुए उस समाज में वो पैदा हुए, तो हमें ज्यादा गौरव होता है इस बात का। महापुरुष सबके होते हैं, हमें किसी के लिए, हम ये नहीं कह रहे कि महापुरुष अकेले गर्व होना चाहिए जी, पुरुषों पे गर्व महसूस पे गर्व होना चाहिए। विशेष जाति में हुए, मेरा नाम अमित पहलवान, अमित पहलवान जी। शक्ति प्रदर्शन भी साथ में दिखाया जा रहा है, इसकी क्या जरूरत पड़ेगी क्योंकि कार्यक्रम जब ऐसा है, हम शांति से सारे कार्य करना चाहते हैं, लेकिन जब सामने से चैलेंज दिया जाता है, सामने से हमें मजबूर किया जाता है, हम शांति के पुजारी हैं। अगर शांति से कोई नहीं होता तो मजबूरी में हमें क्रांति का रास्ता अपनाना पड़ता है। इस वजह से शक्ति प्रदर्शन होता है, जो चैलेंज दिए जाते हैं। हम कोई गलत कार्य नहीं कर रहे, तत्वों के आधार पर पूरे देश ने स्पष्ट हो गया है कि गुर्जर सम्राट मीरबोध गुर्जर समाज जाति से आते हैं। हमें इस बात का कोई भी अफसोस नहीं है, सभी महापुरुष ने अपना मान है। तो आपने यहाँ जब अनावरण तो छत्ती बिरादरी को न्योता दिया था या फिर स्पेशल सिर्फ गुर्जर समाज? हमने हमने कहा था सब कार्यक्रम में आए, आप सब लोग का कार्यक्रम है। राजपूत समाज को बोला था विशेष रूप से, क्योंकि राजपूत समाज ने पहले सामने चैलेंज कर दिया, उन्होंने बोलने का मौका ही नहीं दिया हमको। तो इस वजह से समाज के लोग आज इकट्ठे हुए, शांतिपूर्वक तरीका से हम लोगों ने यहाँ पर माला अर्पण किया, मूर्ति का अनावरण किया और बस शांतिपूर्वक सारा कार्यक्रम हो गया। चलो फिलहाल मैं बता दूं, दोनों मार्शल कौम है, गुर्जर की बात करो, गुर्जर समाज की, राजपूत समाज की बात करो, मार्शल कौम है, आपस में विवाद होने की संभावना थी, तो पुलिस का जमावड़ा है, पुलिस सामने में तब्दील आ जाओ सर। क्या नाम भाई जी? हाँ जी, आपका क्या नाम है जी? आकाश गुर्जर मेरठ से, यूपी। देखो कितनी दूर दूर तारे हैं गुर्जर भाई, ये मेरठ से आए हैं। हम नोएडा से आए। आप नोएडा से आए हैं? भाई भी नोएडा से आए हैं। भाई भी नोएडा से। हाँ जी, हाँ जी, बताओ जी। आप भाई साहब, मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहूंगा। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के हेड रहे हैं के मोहम्मद, आप लोग जानते हैं, और ये बटेश्वर के मंदिर भी हैं आपके मध्य प्रदेश में, और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया तो आप जानते हैं बिल्कुल ही निचोड़ बात करता है कि भाई किस पूरी हिस्ट्री की निकाल के लेकर आते हैं। के मोहम्मद जी ने भी बताया कि जो बटेश्वर के मंदिर है वो भी गुर्जर प्रतिहार वंश ने बनवाए हैं। अच्छा, तो सर्वे ऑफ इंडिया की टीम और उसके हेड ये कह रहे हैं कि गुर्जर सम्राट गुर्जर प्रतिहार वंश मीर भोज जी के जो काल रहा है उस काल के ही बटेश्वर के मंदिर बने हुए हैं। अच्छा, और वहाँ पे भी ये लिख दिया गया कि प्रतिहार वंश ना कि गुर्जर प्रतिहार वंश। अच्छा, कल एक तो, जी, अच्छा, इस पे आपको आपत्ति है? हाँ, आपत्ति है हमको। अच्छा, और आपत्ति क्यों नहीं है? एक तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से बड़ा हो सकता है कोई व्यक्ति, कोई जाति। अच्छा, आरके जो आप सर्वे की एजेंसी बता रहे उसमें क्या लिखा गया था? उसमें के मोहम्मद उसके हेड थे, उनके नेतृत्व में ही और इस टीम के नेतृत्व में ही बटेश्वर जो मध्य प्रदेश के अंदर मंदिर है उनके निर्माण कार्य दोबारा उनको ढा दिया गया था पहले कभी। अच्छा, अच्छा, उनका निर्माण दोबारा स्टार्ट हुआ। और जब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम ये कह रही है, उनके हेड ये कह रहे हैं कि इसको गुर्जर प्रतिहार वंश ने बनवाया, तो इसके बाद तो कुछ बचता ही नहीं है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बाद तो कोई बचता ही नहीं, कोई जाति कुछ भी कहने लगे। और वो भी ये कह रहे हैं कि गुर्जर प्रतिहार वंश के राजा रहे हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम। एक भाई ने मेरे को कल कहा, गुर्जर समाज से था, वो बोला बोला 800-900 ईस्वी के दौरान में, हाँ, जो 800-900 ईस्वी के बीच का जो समय था उसके बीच में राजपूत समाज का कोई इतिहास नहीं है, या इसमें कितनी सच्चाई लगे, मैं इसकी रिसर्च कभी करूंगा। हम किसी समाज का कभी अपमान नहीं करते। हाँ, हाँ। और ये आप जानते हैं जितना भी विवाद है पिछले 2 से 2.5 साल के अंदर पैदा हुआ है, क्यों हुआ? और ये तो कुछ शरारती तत्व हैं, कुछ राजनीतिक तत्व हैं जो विवाद करना चाहते हैं दोनों जातियों के बीच। हाँ। नहीं तो उससे पहले माननीय प्रधानमंत्री जी भी और कई प्रदेश के मुख्यमंत्री भी गुर्जर सम्राट चक्रवर्ती गुर्जर सम्राट मीरबोध जी की मूर्ति का अनावरण कर चुके हैं। ये इतिहास में है, आप लोग सब जानते हैं। एक बार बोलो भाई, छत्ती बिरादरी भाईचारा, छत्ती बिरादरी भाईचारा, छत्ती बिरादरी भाईचारा, यू जरूर तो अनावरण। सम्राट दादा मीर भोज, चक्रवर्ती सम्राट दादा मीर भोज, चक्रवर्ती सम्राट दादा मीर भोज जी। प्राता जी, आप देखो देखो, एक तरफ प्रतिमा का अनावरण है, इसमें पुलिस आपकी पैर, पुलिस के पैर में अनावरण भी हो गया, सारी चीजें आपके पक्ष में रही क्योंकि यहाँ विधायक भी लीलाराम गुर्जर जी हैं। तो उस दौरान शक्ति प्रदर्शन की क्यों जरूरत पड़ी? शोभा यात्रा हो रही है, हुजूम है। देखिए भाई, आप एक जिम्मेदार पत्रकार है और मैं आपका बहुत सम्मान करता हूँ, नवेड़ा से मैं आया हूँ। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूँ, उत्तराखंड के अंदर, जो आपके जवाब का बात का जवाब मैं बाद में दूंगा, उत्तराखंड के अंदर त्रिवेंद्र सिंह रावत थे, वो ठाकुर समाज के मुख्यमंत्री थे, ये बुरा मानने वाली बात नहीं है। हमारे लंडोरा रियासत के राजा थे कोरपंडम चैंपियन साहब, अब से 10 साल पहले उन्होंने ठाकुर मुख्यमंत्री से उस मूर्ति का अनावरण कराया था, उसके नाम प्लेट पर
गुर्जर प्रत्याहार वंश के राजा सम्राट मीरवोज लिखा हुआ था। अच्छा। सबने देखा है। हाँ। जब से तो कोई ऐतराज नहीं था। हाँ। आज ये क्यों विवाद हुआ? और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जनरल वीके सिंह बहुत बड़ा नाम है, गाजियाबाद से एमपी कैबिनेट मंत्री हो रहे हैं। उन्होंने गाजियाबाद के अंदर राष्ट्रीय राजमार्ग गुर्जर प्रत्याहार सम्राट मीरवो जी के नाम से राष्ट्रीय राजमार्ग का नाम उन्होंने वहां करवाया। तीसरी बात, दिल्ली के अंदर मनीष सिसोदिया जी देश के बड़े नेता और मुख्यमंत्री थे दिल्ली के, एक नहीं दो दो गुर्जर प्रत्याहार सम्राट मीरवोज के नाम प्लेट से दिल्ली के अंदर मनीष सिसोदिया जी ने उनका जो अनावरण किया था। तो भैया ये आज ही क्यों यहाँ ये हो रहा है? और आपकी जानकारी के लिए बता दो, आपने एक बात बहुत अच्छी कही थी कि पहले से विरोध क्यों नहीं था? जब देश आजाद हुआ था दादिन में एक हमारी गुर्जर स्कूल है उसकी संस्था है, गुर्जर स्कूल है उसकी संस्था है, 1952 में उसकी स्थापना हुई थी और वो स्कूल पूरी संस्था गुर्जर सम्राट मीरवोज के नाम पे था। और एक और बात बता दूं, वहाँ गुर्जर भी पढ़ते हैं और ठाकुर भाई भी पढ़ते हैं, लेकिन आज तक तो कभी किसी का कोई विरोध आवाज नहीं हुआ। लेकिन 2022 से ये कुछ लोगों के द्वारा अपनी राजनीति चमकाने के लिए इस माहौल को गर्म किया गया और इससे बढ़कर कुछ नहीं है। एक चीज मैं कह देना चाहता हूँ, देखो अगर कोई हमारा सम्मान करेगा तो हम भी सम्मान करेंगे, है ना? अगर वो 10 आएंगे तो हम 50 आएंगे, लेकिन हम पूरी 36 बिरादरियों का सम्मान करते हैं। गुर्जर सम्राट मीरवोज गुर्जर थे और रहेंगे। गुर्जर एकता जिंदाबाद, गुर्जर एकता जिंदाबाद। अच्छा सर, क्या नाम आपका? मेरा नाम राहुल गुर्जर है, गौ सेवक हूँ मैं। हाँ जी राहुल जी, एक चीज और पूछना चाहूँ, क्या आज का दिन जो सुना गया कोई इतिहास के पन्नों आज का दिन का मामला है कुछ, या फिर वैसे अचानक? नहीं, आज का दिन तो मैं देखना इसलिए। गुर्जर सम्राट दादा मीरवोज जी की एक मूर्ति का अनावरण लंबे समय से चल रहा है। मेरठ में मवाना एक जगह पड़ती है, तहसील मवाना। हाँ। उसमें मनोज मरगाम का नाम आ गया, मरगाम मवाना तहसील एक मेरठ डिस्ट्रिक्ट में यूपी के अंदर एक जगह पड़ती है। वहाँ पे चक्रवर्ती सम्राट दादा मीरवोज जी की मूर्ति का अनावरण हो चुका अब से लगभग 2.5 से 3 साल पहले। तब भी कोई वहाँ भी ठाकुर समाज हमारे क्षेत्र में बहुत रहता है, कोई विवाद आज तक वहाँ पे नहीं हुआ। जी जी, बिल्कुल शांति से चक्रवर्ती सम्राट दादा मीरवोज जी की मूर्ति का अनावरण, उसके आगे भी गुर्जर लिखा है, सब लोगों ने बड़ी शांति से उसका अनावरण। चलो शांति बनाए रखो, जरूरी है भाई। हाँ। क्योंकि क्योंकि छत्ती बिरादरी माला के मोती हैं और मणके हैं, सारे मिलके एक माला बनाए। भाई कहाँ से लोग आए अपनी? मैं कह रहा हूँ आज इस कार्यक्रम में प्रदेश से उत्तर प्रदेश के विभिन्न कोनों से, देश के अलग अलग कोनों से यहाँ पर लोग आए हैं। सारा समाज एक साथ संगठित है और हमारा उद्देश्य है, अभी हम अक्टूबर में आपके बीच में एक गौतम नगर में बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है जिसमें करीब 2 लाख आदमी लेंगे कार्यक्रम में, समाज को इकट्ठा किया जा रहा है। हम बार बार एक ही बात हम कहते हैं कि ये परेशानी 2 साल से क्यों हो रही है, अब से पहले क्यों नहीं हो रही? जब देश के प्रधानमंत्री मूर्ति का अनावरण करते हैं जब कोई विरोध नहीं होता, अगर हम अपने बड़े बूढ़ों की मूर्ति कहीं लगाने लगे तो रोज इस तरीके की जो लोड टॉक अन्य समाज करता है, उस समाज को ये भी सोच लेना चाहिए उसके आखिरी वंशज को बचाने के लिए। माँ पन्ना ध्यान है, अपने बेटे चंदन की कुर्बानी दे दी, उस समाज को अगर आज जिंदा रखने का काम किया है तो वो माँ पन्ना गुजरी के द्वारा हुआ है। उसके बाद अगर इस तरीके की अपवाद फैलाएंगे या और अन्य विषय पर वैसे करेंगे तो समाज इस चीज को बर्दाश्त नहीं करेगा। चलो, गुर्जर समाज ने कहा भाई यदि कोई गलत चीज हमारे ऊपर थोपी जाओगी या नाजायज हमारे साथ करा जाओगे तो उसको गुर्जर समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। एक चीज और है इसमें, मैंने कहा था ना मैं पक्ष का ना विपक्ष का, हमने कहा था हम बिना रुके बिना झुके बिना थके बिना बिके बिना पके बिना डरे बिना दबे बिना हटे पे बाघ पत्रकारिता करेंगे, अन्याय के खिलाफ लड़ेंगे। हालांकि दो समाजों की आपस की टकराव है और यदि राजपूत समाज भी अपनी बात रखना चाहो, हालांकि बातें गुर्जर समाज ने रखी हैं, आंकड़ों के हिसाब से बातें रखी हैं, राजपूत समाज भी अपनी बात रखना चाहे इस मामले पे तो उसका भी हमारे चैनल पे संसार क्रांति प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। धन्यवाद। ठीक है जी, बहुत चलो जी, फिर दोबारा से बोलो भाई, छत्ती बिरादरी भाईचारा, छत्ती बिरादरी भाईचारा, छत्ती बिरादरी भाईचारा। चलो जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हूं धारा देसी पत्रकार करमू। जय हिंद, जय हरियाणा, जय जवान, जय किसान। लाइव चल रहा था लाइव, ये जो गुर्जर समाज के जो लोग हैं भाई लाइव चल रहा था, शेयर कर लो। कोई बात नहीं। जी जी, चलो फिलहाल ना कोई मैं लेन करता, खड़ा खराब हूँ। पुलिस के पैर में जो प्रतिमा का अनावरण है इस तस्वीर पर छोड़ के जाऊंगा और आप भी कमेंट बॉक्स में अपनी राय दियो। गुर्जर समाज की जो बात है और राजपूत समाज की बात है उसमें कौन सी बात में दम है भाई? एक मिनट, थोड़ा प्रतिमा करो। अच्छा एक मिनट, चलो सहारनपुर कहाँ से लोग आए हैं? सहारनपुर से जी, एक लाइन की बात बता दे भाई, क्या कहूँगा
जी वहाँ भी करा था, मैं विरोध बंद करी जी। अच्छा, कुछ नहीं हुआ जी इन पे। अच्छा, अरे जहाँ भी विरोध करेंगे वही गुज्जर समाज मेरा सारा साथ खड़े रहेगा। फिर भी मैं एक बात कहूंगा मेरे भाई नुगार बल तनक सलाह दूं बल सलाह देश का तनखा दे तेरा मेल मिलाप करूं प्यार से समरसता से भाई तेरे जी जी क्या नाम भाई।